नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दीवान सुखलाम क्लासेस जयपुर से। आज हम अलंकार का जो देखेंगे, अलंकार अलंकार का क्या अर्थ होता है। मित्रों, साहित्य में या हमारे जीवन में, दोनों में ही बात करेंगे। तो मित्रों, रस तो छंद होता है, काव्य का रस छंद होता है और अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। ध्यान रखें, काव्य का रस तो छंद है। जब गाते हैं लय गति से छंद, और जो उसके अंदर उसकी जो शोभा बढ़ा रहे हैं जो शब्द, वो अलंकार कहलाते हैं। अब सबसे पहले आता है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। वहां में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। वहां में नंबर एक, नंबर दो, अलंकार संप्रदाय के पोषक कौन है। रुद्र ऋषि नाम है, ध्यान रखिएगा, आचार्यों के नाम है। ये छोटे छोटे प्रश्न सीधे ही हमसे पूछे जाते हैं अक्सर। क्या सब अलंकार के लिए जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का प्रयोग किया है। केवल चार ही अलंकारों का, एक है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है दीपक और चौथा है यमक। यहां हमारे पास यमक अलंकार शब्दालंकार है, वहीं पर तीन जो ऊपर हैं वो अर्थालंकार हैं। नाट्य शास्त्र में कहा सब चार ही अलंकारों का उन्होंने उल्लेख किया है। अब आगे बात करें तो कहा अलंकारों को प्रवर्तक और पोषक तो कौन रहा, सर्वप्रथम कहां हमें अलंकारों का उल्लेख मिला। अब आता है अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति यानी अलंकार शब्द बना कैसे। कहा साहब अलम पूर्वात
क्री धातु और घाय प्रत्यय, इन तीनों तीनों को मिलने पर क्या बना शब्द? अलंकार। अब आया अलंकार का सीधी परिभाषा क्या रखूं? अलं क्रियते इति अलंकार। अलंकार है दूसरा अलम क्रियते अनेनेति, इति अलंकार है। अब प्रश्न आया ये अलम क्या है? कसब काव्य की शोभा, अलंकार शारीरिक दृष्टि से हम कहें कि जो नारी और पुरुष जो अपने सौंदर्य के बनाने के लिए बढ़ाने के लिए जो सजावट अपने शरीर पे करते हैं वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। और कसब ऐसी स्थिति में अलंकार शब्द तो समझ में आया, अब अलंकार के विषय में किसने क्या कहा है उस पर बात करें। तो दंडी परिभाषा की बात करें हम, सबसे पहले हम दंडी जो आचार्य हुए हैं जिनकी ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श, वहां एक लाइन आई है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। इन्होंने कहा काव्य की शोभा और धर्म को बढ़ाने पर अलंकार कहलाएंगे। इसी प्रकार मम्मट ने भी, आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश के हैं, इन्होंने भी कहा उपकुर्वन्ती तम संतम ये अंगिनम उपकुर्वन्ती यम संतम ये अंग द्वारे जातुचित हारा दीवद अलंकारस्ते। अलंकारास्ते अनुप्रासो उपमादय इस प्रकार से इन्होंने परिभाषाएं दी हैं काव्य प्रकाश में अलंकार की, दंडी ने काव्यादर्श में कि अलंकार क्या होता है। परीक्षा के इस पर कई बार प्रश्न पूछ जाता है अलंकार शब्द क्या है, अलंकार की सबसे प्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का प्रयोग किया, कौन कौन से हैं वो, पोषक कौन है, प्रवर्तक कौन है, अलंकार की व्युत्पत्ति क्या है, अलंकार किसे कहो, अलंकार की परिभाषा किसने दी, अलंकार के बारे में क्या कहा, इस प्रकार से हमें अलंकार के विषय में थोड़ा सा अध्ययन है। आइए अलंकार के भेद कितने होंगे। भेद मित्रों, व्रत रत्नाकर जो नामक बुक है उसके राइटर हैं केदार भट्ट, उन्होंने दो ही स्वीकार किए हैं अलंकार के भेद, किंतु कुछ विद्वानों ने इसके तीन भेद भी स्वीकार किए हैं। आइएगा, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है
अर्थालंकार। और जो अन्य विद्वानों ने जो स्वीकार किया है वह किया है उभयम अलंकार। इस तरह से प्रश्न है कि भेद होते कितने हैं, मुख्य रूप से दो ही होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार विशेष रूप से कुछ विद्वानों ने स्वीकार किए। अब आया इसकी परिभाषा क्या है। इन शब्दों से ही स्वयं पता लग रहा है कि वे शब्द जो शब्द की वे अलंकार जो शब्दों की माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। फिर से सुने, वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अर्थालंकार का क्या अर्थ हुआ, वे अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। तीसरा है उभय अलंकार, जो शब्द और अर्थ दोनों के जो है माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, वो उभय अलंकार। अब आया प्रश्न कि शब्दालंकार के भेद कितने हैं, ऐसा इसके कितने भेद हैं। तो मित्रों छह भेद हैं। नंबर एक अनुप्रास। अनुग्रत प्रासो इति ही न्यास है अनुप्रास। फिर कहा यमक। तीसरा है श्लेष। चौथा है वक्रोक्ति। पांचवा है पुनरुद्ध भाष। पुनरुक्त भाष। और हमारा उसका है अंतिम चित्रालंकार। चित्रालंकार का विशेष रूप से निजी चरितम में प्रयोग हुआ है और आपके जो है शिशुपाल में भी हुआ है। यहाँ अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुद्ध भाव और चित्रालंकार, ये छह भेद हैं शब्दालंकार के। बात करें हम अब अर्थालंकार। तो मित्रों अर्थालंकार के सात भेद होते हैं। कितने, सात भेद। देखते हैं कैसे। नंबर एक सादृश्य गर्भ। नंबर दो विरोध गर्भ। नंबर तीन श्रृंखला बद्ध मूला। चौथा है तर्क न्याय मूला। वाक्य न्याय मूला। तर्क न्याय मूला, वाक्य न्याय मूला और है लोक न्याय मूला। और एक और है गूढ़ार्थ प्रतीत। अब प्रश्न ये है कि हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं। मित्रों हम लोग सीधा ही चले जाते हैं अनुप्रास। सीधे अनुप्रास के लक्षण को याद किया। मैं आप बता देता हूँ कि सब सिलेबस में है ही, ऐसे ही तो हमें अन्य कैसे प्रश्न पूछेगा। मित्रों आपके पेपर में अलंकारों का सीधा नाम दे रखा है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थांतर न्यास जो है, उसके बाद में रूपक, दीपक, जैसा भी आपके जो है आपके अलंकार हैं जो मन याद कीजिएगा। उस पेपर में जब भी आप पेपर में देखते हैं तो एक प्रश्न या दो प्रश्न या तीन प्रश्न ऐसे ही इस अलंकार पे होते हैं,
वो या तो मैच करवाते हैं कि दोनों ही अलंकारों में राजस्थान में जहाँ एक और है इस तरह से पेपर जो कंटिन्यू हमेशा बनता है, वहीं यूपी की बात करूं वहां भी इसी प्रकार का वो अलंकार किसी लाइन को दे करके पूछता है और वो तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक कि दो अलंकारों के मध्य अंतर क्या है। अंतर हम हिंदी में भी याद कर सकते हैं, किंतु यदि उसी का भाग हो और उसी में चलना हो तो पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम उसे समझ ना लें। जरा सा देखिए, आप यहां सोच रहे होंगे कि यहां पर कौन कौन से आ सकते हैं, यहां पर सीधा ही तुल्य, योग्यता, दीपक वो लिखेंगे, लिखूंगा मैं, लेकिन मैं तो कुछ और ही लिख गया हूं क्योंकि वो सारे इनके भेद हैं ना कि ये अलग से है। और इसीलिए का सर तीसरे की बात करूं उभय अलंकार में, तो इसमें अधिकांश विद्वान श्लेष अलंकार को स्वीकार करते हैं, वो भी कब? गणना के आधार पर। गणना के आधार पर श्लेष अलंकार को उभय अलंकार में स्वीकार किया जाता है। आइए आगे बढ़े। मित्रों, अलंकार के हमने भेद देखे मुख्यतः दो और सामान्यतः तीन। अब हमने अर्थालंकार के सात भेद जो देखे थे, जिसमें सादृश्य गर्भ, विरोध गर्भ, श्रृंखला बद्ध मूला, तर्क न्याय मूला, वाक्य न्याय मूला, लोक न्याय मूला और हमारा गुणार्थ प्रतीति का देखा हमने। अब वह सब सादृश्य गर्भ में के कितने भेद हैं? सादृश्य गर्भ जो अलंकार है उसको तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, भेद अभेद प्रधान, भेदाभेद प्रधान। एक है अभेद प्रधान और एक है गम्योम्या श्रेय जो है भेद है। का सर इसके भेदाभेद प्रधान के कितने अलंकार हैं, कौन कौन से हैं? उपमा, उपमेय उपमा, अनन्वय और स्मरण, केवल चार भेद हैं। फिर कहा सर भेदा भेद अब प्रधान के कितने हैं? कहा सर दो हैं, एक रूपक आरोप मूल का और एक अध्यवसाय मूल का, दो भेद हैं। अब कहा सर इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? रूपक, संदेह, भ्रांतिमान और अपहुनति। और अध्यवसाय मूल का में कौन कौन से आते हैं? उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। कहा सर गम्य हो में आश्रय में कौन कौन से आते हैं? तो नौ अलंकार नजर आ रहे होंगे यहां। तुल्य योग्यता, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, श्लेष, दृष्टांत, निदर्शना, व्यतिरेक, समासोक्ति और अर्थांतर्न्यास। अब मैं यहां वो समझा रहा हूं कि ये क्यों समझा रहा हूं। प्रश्न यही है कि ये मैं क्या समझा रहा हूं और क्या अलंकार में मेरे अभी तत्काल काम आएगा। यहां से तीन प्रश्न बनते हैं सारणी से। नंबर एक, परीक्षण का पहला ही प्रश्न है कि अभेद प्रधान अलंकारो अस्ति। अभेद प्रधान अलंकार अस्ति, अभेद प्रधान कौन सा अलंकार है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सारे ही क्या हैं? अभेद प्रधान हैं। ढंग से देखिएगा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, अपहुनति, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, ये सारे ही अभेद प्रधान अलंकार हैं। दो बार दिल्ली अधीनस्थ यानी DSSSB में पूछा जा चुका है यह प्रश्न और तीन बार यूपी में पूछा जा चुका है। राजस्थान में अभी लगातार दो वर्ष पिछले दो वैकेंसियों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि अभेद प्रधान अलंकार हो नास्ति, अभेद प्रधान अलंकार नहीं है और हम केवल एक को लेके बैठे होते हैं, केवल रूपक को, क्योंकि वहां लिखा होता है ना तद्रूपकम आरोप, तद्रूपकम ये जो जो उसका लक्षण है अभेद प्रधान हो सीधा यह अपमानों में ये, और वहां केवल हम एक पे ही काम कर जाते हैं। परीक्षक ने बदल दिया है तरीका, बेशक अभेद प्रधान के कितने भेद हैं? दो, आरोप मूलक और अध्यवसाय।
लेकिन ये छह के छह हैं किसमें, किस में जाएंगे, किस प्रधान में जाएंगे, अभेद प्रधान में जाएंगे। वही कहा भेद अभेद प्रधान में कौन कौन से हैं, साहब उपमा भी है, उपमेय उपमा भी है, अनन्वय और स्मरण भी है। याद कीजिएगा उपमा और उत्प्रेक्षा में अधिकांशतः हम कुछ शब्दों को मिक्स कर देते हैं मित्रों, जैसे कि इव शब्द। अक्सर हम ये करते हैं कि शब्द के बाद में यदि इव आए तो उपमालंकार, और धातु के बाद में यदि इव आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। पर प्रश्न ये है, आपका ये कहना तो ठीक है, एक परीक्षक है ये पूछ रहा है कि उपमा अलंकार किसके अंतर्गत होता है, वेदाभेद प्रधान में होता है, अभेद प्रधान में होता है, या गम्य उपमेय आश्रम में होता है, या कोई और रख के देख दिया जैसे गुणाड़ प्रतीति में। याद रखिए किसमें भेद अभेद दोनों ही नहीं किए जा सके, यहाँ पर वो उपमा अलंकार है, और जहां भेद हो ही नहीं सके वो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अभेद रूपक। अभेद में यहां आ रहे हो, यहां पर वो एक परीक्षक पूछता है कि रूपक और संदेह, दो बार पूछा है उसने, रूपक और संदेह में क्या समानता है, दोनों ही आरोप मूलक है, दोनों ही क्या है, आरोप मूलक है। और वहां पर सबसे बड़ा यही होता है कि हम वहां समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने केवल लाइन से, हमने किसी कारणवश उसे रट लिया है। फिर आया हमारा गम्योपमेय आश्रय जो है, आपको उसमें नो दिखाई दे रहे हैं, यहां पर तुल्य योग्यता है, दीपक है, प्रति वस्तु उपमा है, श्लेष है, दृष्टांत है, निदर्शना है, व्यतिरेक है, समासोक्ति और अर्थांतर न्यास का साहब स्वभावोक्ति नहीं आया है। अरे स्वभावोक्ति तो सादृश्य में नहीं है, गुणार्थ प्रतीति है, जो भेद है अर्थांतर का उसके अंतर्गत रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंतर्गत क्या है, वो नौ कौन से हैं जो इसके अंतर्गत आएगा, जो कि सादृश्य समानता के क्रम में। ये प्रश्न अभी हाल ही में जो आपका पिछले जो वर्ष यहाँ पर राजस्थान में भी जो है, मैं कहूँ कि फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया कि किसमें रूप भ्रांतिमान और संदेह में साम्यता क्या है, तो बिना सीधा ये नहीं था, ये भी ऑप्शन में नहीं था, मगर ये था, समानता क्या है, दोनों में समानता क्या है, किसका है, दोनों के दोनों किसके हैं, सादृश्य गर्भ के थे। और सोच देखिए यदि आपने इतना नहीं देखा तो इतना हल्का सा प्रश्न वह हमसे गलत हो जाएगा और दुनियाबाजी कहीं ना कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि दुनिया के साथ चलना एक अलग बात है, लेकिन कुछ विशेष करने पर ही हम अध्यापक कहलाएंगे। जैसा देखिएगा कि तुल्य योग्यता दीपक, अब वहां कई बार यहां भी दिक्कत आती है कि जो है इन दोनों में समानता क्या, पहले क्लियर कर ले कि ये सारे के सारे किस में है, सादृश्य कर्म में। फिर इसकी इनकी इसकी कैटेगरी किस किस में कौन है, फिर ये समझ रहे कि ये चार कहां हैं, ये दो जो भेद किए गए हैं वो किस में है और ये कहां है। वो अभी जो है हमारा भ्रांतिमान अतिशोक्ति की बात करें, ये रहा अतिशोक्ति, इसमें प्रमुखता किसकी होती है, अध्यवसाय की विशेष रूप से इसमें होती है। हम अतिशय अतिशय उक्तोक्ति कहा है, वही समासोक्ति में विशेष समास की जहां प्रमुखता होती है, वही क्या होता है कि गम्योपमेय आश्रय की विशेष होती है। तो इतना यदि हम याद रख लें तो मित्रों ये है क्लियर, जो पेपर में दुनिया नहीं सही कर पाएगी वो सीधा आप सही करके आएंगे। और कहते हैं ना कि जीतने वाले घोड़े को एक पैर आगे रखना होता है, बस लाइन के आगे एक पैर रखना है, आप जीत गए हैं। आगे देखें तो हमने अभी देखा सादृश्य गर्भ का, दूसरा याद कीजिएगा इसका जो भेद रखा था आपने, विरोध गर्भ रखा था। विरोध गर्भ के अंतर्गत कितने अलंकार हैं, कितने हैं, विरोध गर्भ के अंतर्गत चार हैं, विभावना, विरोधाभास, विशेषोक्ति और असंगति किसके अंतर्गत आती है, विरोध गर्भ के अंतर्गत। श्रृंखला बद्ध मूलका के अंतर्गत कितने हैं, कारण माला
एकावली, माला, दीपक और साथ, कितने हैं ये? चार हैं। फिर कहा न्याय, तर्क न्याय मूर्ता के अंतर्गत दो हैं, काव्य लिंगम और अनुमान। और वाक्य न्याय मूर्ता के अंतर्गत कौन से हैं? यथासंख्य, प्रियाय अलंकार, परिसंख्या अलंकार और समुच्चय अलंकार, इसके भी चार हैं इसके अंतर्गत। लोक न्याय मूर्ता के अंतर्गत भी चार ही हैं। पहला है प्रत्यनित, प्रतीत, प्रतीक और मिलित और सामान्य, और गुणार्थ प्रतीति के अंतर्गत भी चार ही हैं। कहा स्वभावोक्ति, सूक्ष्म, व्याजोक्ति और संसृष्टि। इस प्रकार से हम यहां देखें कि ये चारों के चारों ही एक ही विरोध के विषय में कहते हैं। एक कहता है कि हेतु के बिना फल हो जाता है, एक कहता है फल है लेकिन कारण है लेकिन कार्य नहीं है। तो ये है किसके अंतर्गत? का सब ये कहता है कि काकू और जो है श्लेष के विषय में विशेष में दो भाग बताता है। तो ऐसी स्थिति में ये किसके अंतर्गत है? विरोध गर्भ अर्थांतर अलंकार के अंतर्गत है। वही श्रृंखलाभूत जो है मूलक है उसके अंतर्गत कारण माला, एकावली, मालदीपक और सार, ये किसके अंतर्गत है? श्रृंखला बद्ध यानी श्रृंखला के साथ चलते हैं। तर्क न्याय के अंतर्गत काव्य लिंगम और अनुमान। वही करें काव्य न्याय मूलका के चार कौन कौन से हैं? यथासंख्य, प्रियाय, परिसंख्या, समुच्चय। और लोक न्याय मूलका में प्रत्यनिक, प्रतीत, मृत और सामान्य है। गुणार्थ प्रतीति में याद रखिए कहां वो स्वभावोक्ति कहां है ये ध्यान रखना होगा। सूक्ष्म, व्यायोजुक्ति और संसृष्टि। अब मैं ये बता दूं आपको, आप हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये हमने कभी पढ़े नहीं है, क्या ऐसा पेपर में आता भी है कि नहीं आता है सिलेबस में? तो आपके जहां अलंकारों का नाम कहीं ये दे रखा है, कहीं यहाँ ये है, कहीं ये है, तो कहीं ये भी है। हर पेपर में अलंकारों का अलग दिया हुआ है। हाई जितना हाई जितना स्टेट चेंज होगा उतना ही अधिकांश है। इन चारों कभी एग्जामिनर रोकता ही नहीं है। एकावली है आपके हाथ में, इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है हर जगह। परिसंख्या और यथासंख्या का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है आपके। प्रतीक का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। स्वभावोक्ति का विशेष प्रयोग हुआ है। व्यंजनोक्ति का और संसृष्टि का। हमें ये ध्यान रखना है कि किसके कितने परीक्षण में पूछ लिया गुणार्थ प्रतीत मूर्खा के भेद कौन कौन से कितने अलंकार आते हैं उसके अंतर्गत? चार ही आते हैं। इसमें कितने आएंगे? चार ही। यहाँ भी चार का ही है, यहाँ भी चार ही और यहाँ भी चार ही, केवल दो कहाँ है? तर्क न्याय मूर्खा के अंतर्गत है। अब हम शुरू करेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है, किसने उसके बारे में क्या कहा, उसका लक्षण क्या है, उसमें से प्रश्न क्या पूछेगा। हमने सबसे पहले वो देखा जो कोई नहीं देखा, क्योंकि इसे हम छोड़ जाते हैं, जिसके पास है वो भी छोड़ जाता है। और वहां यदि एक प्रश्न भी आया और आपका द्वारा वो सही हुआ, आप लाखों बच्चों से ऊपर निकल जाएंगे और सिलेक्शन नजदीक आपके आ जाएगा।